अच्छा, पुणे की बारिश में ठंडक बहुत हो जाती है, तो बाल सुखाना बहुत जरूरी है। एक ही स्पीड चल रही, हवा भी गर्म नहीं है, ये लग रहा है खराब हो गया है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मिस्त्री। हम लोग आ गए हैं आज एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एक हेयर ड्रायर का रिव्यू। सो हुआ क्या, ये हेयर थोड़ा सा एक्टिंग था मेरा, इसको इग्नोर करिएगा। तो ये हेयर ड्रायर मेरा खराब हो गया था, एक्चुअल में इसमें कुछ शॉर्ट हुआ और ये काफी पुराना भी हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे चेंज कर देना चाहिए। तो इसको अब हम लोग रिप्लेस करेंगे एक नए हेयर ड्रायर से, तो इसको हम लोग करते हैं डिस्कार्ड। और ये आया हमारा नया हेयर ड्रायर, तो ये है अगारो का हेयर ड्रायर, सैलून स्टाइलिंग प्रोफेशनल हेयर ड्रायर है। इसको हम लोग अब जल्दी से करेंगे अनबॉक्स और देखेंगे इसके फीचर्स को, अटैचमेंट्स को, और कैसी इसकी क्वालिटी है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और ओवरऑल हमारे बालों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि मतलब जो फील आता है आपको, कभी हीट ज्यादा हो जाता है, कभी हीट लो हो जाता है। और चेक करेंगे और फीचर्स क्या है, जैसे कूल शॉट, ये सब बटन सब आने लगे हेयर ड्रायर के अंदर, तो इसको हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो की तरफ नाउ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो की तरफ, जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स। और मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ ये हमने कैसे ऑर्डर किया, क्या रेट पे मुझे पड़ा, और क्या मैंने कुछ डिस्काउंट लगाए कि नहीं लगाए, तो सब मैं आपसे बताता हूँ। तो मैं एक्चुअली बताऊँ, ये मैंने ऑर्डर किया है अमेजन से, और ये मुझे प्राइम डे सेल में मैंने मंगाया था, तो ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1200 का पड़ा था। और अभी मैं इसमें देख रहा हूँ सेल के बाद जिसका MRP दिखा रहा है वो 1400 के आसपास दिखा रहा है, तो ओवरऑल मेरा परचेज टाइम सही रहा इसका। तो अब जल्दी से हम करते हैं इसको अनबॉक्स। और ये रहा हमारा फर्स्ट लुक, तो ये कुछ ब्राउन और मरून टाइप का कलर है, ये स्पेशली ये ब्राउन दिख रहा है आपको वीडियो में, नो नॉट श्योर कि आपको कैसा दिख रहा होगा। देन नोजल का साइज देखा जाए तो मुझे ये लग रहा है कि 1.5 इंच का डायमीटर है इसका। बैक साइड में इसका नेट लगा हुआ है और ये क्रोम फिनिश दिया हुआ है इधर। डिजाइन तो ओवरऑल अच्छा है, एक ड्रॉबैक दिख रहा है कि इसमें फोल्डेबल नहीं है ये। और ये हमारी कैट आ गई इसको देखने के लिए, इनको हर चीज देखनी होती है। सो बात की जाए इसके बटन्स की, तो इधर ये कूल शॉट बटन दिख रहा है अपने को, क्रोम फिनिश के साथ ये भी बटन है। देन ये आपको 3 फैन स्पीड्स दिया हुआ है, और यहाँ पे ये 3 हीटिंग स्टेप्स दिए हुए हैं। तो उसके बाद कॉर्ड लेंथ की बात करी जाए अगर, तो कॉर्ड हम देख लेते हैं ऐसे ही अंदाजे से, तो ये आपका अच्छा कॉर्ड लेंथ दिया हुआ है। आप काफी डिस्टेंस के ऊपर अगर आपका सॉकेट रहता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं इजिली। तो ये मुझे अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स का लग रहा है, 2.5 ही होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ही है 2 मीटर से। तो कॉर्ड लेंथ भी इसकी अच्छी है और प्लग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और फिनिशिंग भी अच्छी आ रही है पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट की। देन इसकी अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये कोम अटैचमेंट है, इसमें आपका ये सीधे इसमें फिट हो जाएगा, एंड देन आप इसको ऑन करेंगे तो हीट इधर से आएगा, हीट और आप कूल शॉट लगाते हैं तो कूल शॉट के साथ, और इसको आप कोम की तरह यूज कर सकते हैं। देन ये आता है डिफ्यूजर, तो जिनके कर्ली हेयर्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट रहता है। तो ये डिफ्यूजर के साथ आप अपने कर्ली हेयर्स को हेयर ड्राई कर सकते हैं और काफी कंफर्टेबल फील आता है। तो मेरे कर्ली हेयर्स है नहीं, तो मेरे को उसका एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअल में, तो बट ये जैसे कि मैंने सुना है तो ये काफी आपका बहुत सपोर्टिव रहता है कर्ली हेयर्स के लिए। देन ये आता है नॉर्मल कॉन्सेंट्रेटर, तो ये सिंपली इसको पोर्ट करके आप डायरेक्शन वाइज एक सिंगल आपको फ्लो मिलेगा एयर का। तो जैसे मैंने 3 हीट स्टेप 3 फैन स्पीड्स, सॉरी 2 फैन स्पीड्स आ गया, 0 फैन 1 फैन 2, और इधर आई कैन सी 3 हीट्स। तो अभी हम लोग उसको जब चलाएंगे तो हम लोग को सही से आइडिया होगा तो हीट इसका कैसे वर्क कर रहा है, कूल शॉट सब एवरीथिंग विल जस्ट लुक। सो ओवरऑल क्वालिटी तो बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की, और साथ में ये हैंगिंग के लिए दिया हुआ है। आप अगर जैसे कि आपने देखा होगा मेरी स्टार्टिंग वीडियो में, तो हम लोग उसको हैंग करते हैं तो ये सेम उस पर हैंग हो जाएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब डायरेक्टली इसको इंसर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था प्लग क्वालिटी अच्छी है, और ये आपका पावर प्लग नहीं है, तो ये नॉर्मल प्लग है। इसको सॉकेट में हम सीधे लगाते हैं और पहले चेक कर लेते हैं सब ऑफ है, एंड स्विच को भी ऑफ करते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं। तो ये प्रॉपरली इंसर्ट हो गया है। नाउ जैसे कि मैंने कहा था कि इसकी कॉर्ड लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, ताकि आप देख सकते हैं। नाउ इसको हम लोग ऑन करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग फैन की स्पीड और आवाज़ चेक करते हैं। तो ये फैन वन है, आवाज काफी कम है और एयर फ्लो अच्छा है, अभी हीट इसका नहीं आ रहा है और ये फुल स्पीड में है, तो एयर फ्लो अच्छा है।
देन कूल शॉट को भी हम लोग चेक करते हैं। पहले अभी हीट का देख लेते हैं। अब फैन मैंने 1 का ऑन किया है तो अभी हीट 1 पे लगा हुआ, तो अभी कोई हीट नहीं है इसके अंदर। अब हम इसको 1 पे लगाते हैं तो मिनिमल सा आपका फैलता हुआ हीट आना स्टार्ट हुआ है। नॉ ये मैंने 3rd हीट पे सेट कर दिया है तो अभी हीट थोड़ा और इंक्रीज हुआ है और फ्लो भी अच्छा आ रहा है। और हम फैन को आप 2nd लेवल पे स्टार्ट करते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, तो सिंपली अगर आप सोलर का यूज करते हैं तो आप रख सकते आप कर सकते हैं। नॉर्मली जो रहता है जो आपके हेयर ड्रायर्स रहते हैं उसमें नॉइज बहुत ज्यादा रहता है। और एक मैं इसको बता देता हूँ कि ये अभी काफी हीट कर गया है, तो इसको छूने से पहले आप लोग थोड़ा कॉशन रखें। जब भी आप कोई हेयर ड्रायर का यूज करते हैं तो उसका इमीडिएट यूज के बाद उसका फ्रंट से टच ना करें, तो आपका हाथ जल सकता है और काफी नुकसान हो सकता है आपको। चलिए आप देखते हैं कूल शॉट का बटन क्या करता है आखिर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी यूज कर रहा हूँ कूल शॉट को। तो अभी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, एक्चुअली कूल शॉट को मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या हो रहा है। तो कूल शॉट में क्या है, जैसे आपने हीटिंग मोड को ऑन किया, सपोज आपने 2nd लेवल पे हीटिंग लगाया और फैन भी आपका चल रहा है, और इन बिटवीन अगर आप चाहते हैं कि आपका मतलब अभी गर्म हवा को आपको ठंडा करना है फौरन, तो कुछ थेरेपी से कुछ रहता होगा आपका हेयर, मतलब हेयर स्टाइलिंग का कुछ मेथड्स रहते होंगे जिसमें हीट के साथ कूल शॉट भी दिए जाते होंगे हेयर को, तो उसके लिए एक्चुअल में है। तो होता क्या है, जब आपका फैन ऑन है, हीट ऑन है, जैसे ही आप कूल शॉट का बटन दबाएंगे आपका जो हीटिंग कॉइल से कनेक्शन होता है वो डिस्कनेक्ट कर देता है, तो इंस्टेंटली आपको ठंडी हवा आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहा इसका कूल शॉट का डिस्क्रिप्शन, जो मेरा एनालिसिस है कूल शॉट का। और बाकी इसका एप्लीकेशन जो कोई प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर या हेयर मतलब जो आपके मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं या आपके हेयर आर्टिस्ट रहते हैं तो ये आपको प्रॉपरली बता सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, बिल्ड वाइज भी अच्छा लगा, लुक वाइज भी अच्छा लगा। एक ड्रॉबैक है, फोल्डिंग नहीं है, आप इसको मतलब इजीली कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉपर स्पेस लेगा अपनी कैरी मतलब कहीं कैरी करके जाना है। और बैक नेट अच्छा है, आपके पास बहुत कमी जाने के चांसेस हैं इसके अंदर। और बाकी कॉशन तो हमको हमेशा रखना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी आपका जो आपके ओवरऑल आपकी जो लाइफ के अंदर चीजें यूज होती हैं, और हमेशा उसको कॉशन के साथ यूज करना है। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, एंड डू कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में कुछ और नया करते हुए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।